इसराइली सेना पर मिसाइलें दागी गई। लेबनान और इसराइल के बीच भीषण जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तीन मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चा गोलन हाइट्स सीरिया के पास, एक मोर्चा गाजा स्ट्रिप का, और एक और मोर्चा जो कि उत्तर की तरफ पड़ता है इसराइल के, वो ये मोर्चा है लेबनान का मोर्चा, जहां पर हिजबुल्ला के आतंकी लगातार इसराइल डिफेंस फोर्स के जवानों को निशाना बना रहे हैं, इसराइल के लोगों को निशाना बना रहे हैं। और बॉर्डर पर किस तरीके से जंग छिड़ी हुई है उसकी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसराइल की सेना पर मिसाइलें दागी गई और उसके बाद पलटवार इसराइल की ओर से किया। इधर इसराइल हमास युद्ध में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। सैन्य अड्डे से जुड़ने वाली गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। हिजबुल्ला आतंकियों ने दरअसल ये पाइपलाइन में विस्फोट किया है। हमला पूर्वी सीरिया के कोनिको क्षेत्र में हुआ है, बताया जा रहा है। ये हमला बहुत भीषण था, जिसके चलते यहां पर आग लग गई। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही है। इससे पहले हिजबुल्ला ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे थे। सीरिया के अलावा इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास आतंकियों पर हमले को लेकर अमेरिका इसराइल के समर्थन में, और ऐसे में कई मुस्लिम देश अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, और ईरान इनमें से प्रमुख है। आप देखिए कैसे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर निशाना साधा गया, गैस पाइपलाइन में धमाका किया गया, जिसके बाद हर तरफ आंख की लपटें नजर आने लगी। इस बीच अगली बड़ी खबर, इसराइल हमास जंग के बीच वर्ल्ड ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। इसराइल पर जॉर्डन बॉर्डर अटैक से बॉर्डर से अटैक की आशंका है। हमास आतंकी इसराइली सेना पर यहां से हमला कर सकते हैं। इसराइली सेना ने जॉर्डन की बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बॉर्डर पर मरकोवा 3 और मरकोवा 4 टैंक्स भेज दिए गए। जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के ये टैंक्स भेजे गए। तस्वीर आपके सामने, जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ मूवमेंट करते ये टैंक्स आपको सारी कहानियों को बयां कर देंगे। आशंका इस बात की है, इनपुट इस बात का है कि जॉर्डन की तरफ से भी हमला हो सकता है। अभी तक तीन मोर्चे, क्या चौथा मोर्चा ये खुलने जा रहा है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन आप देखिए कि कैसे इसराइल ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़कों पर टैंक्स मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ रफ्तार भरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको इन्हीं तस्वीरों में 7 टैंक्स नजर आ जाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जंग के हालात के बीच में एक और बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि ये आपको बता रही है कि कैसे इसराइल के लिए जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। हालांकि वेस्ट बैंक जॉर्डन से लगता हुआ इलाका है और इस इलाके से लगातार हमला किया जाता रहा है इसराइल के ऊपर। अगली बड़ी खबर, हमास और हिजबुल्ला के साथ चल रहे इसराइल के घमासान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ये बिग ब्रेकिंग, हमास हिजबुल्ला के बाद जंग में यमन की एंट्री हो गई। हाउती विद्रोहियों ने लाल सागर में मिसाइलें दागी। अमेरिकी वॉरशिप ने 3 मिसाइलों को ढेर कर दिया। यमन से कई ड्रोन हमले किए गए, ये पेंटागन की ओर से जानकारी दी गई। मिसाइल ड्रोन का संभावित लक्ष्य इसराइल था, अमेरिकी युद्धपोत ने हमले को नाकाम कर दिया है, पेंटागन की ओर से यह बात साफ की गई। क्या ये सारे मुस्लिम देश जो है वो इकट्ठा होकर इसराइल पर हमला करने वाले हैं क्या? क्योंकि हमने आपको बताया कैसे जॉर्डन की तरफ से अब मूवमेंट शुरू कर दी गई है और उस तरफ इसराइल की तैयारियां भी सामने आ रही। लेकिन अब दूसरे देश यमन से मिसाइलें दागने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूएस नेवी ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया जो इसराइल की तरफ दागी गई। For certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive